अपने बहुत ही चहीते फ्रेंड्स के साथ. इट्स अ ब्यूटीफुल शेड, लुक्स लाइक समथिंग लाइक स्किन में इन्वेस्ट करना. स्किन में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. जो भी थोड़ा करूंगा बहुत अच्छा. वी एक्चुअली गॉट मैरिड ऑन गुरुपुरब. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप सब लोग ठीक हो गए. आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है. लाइक ऑनेस्टली उठिए इतना अच्छा फील हो रहा है. बाहर का वेदर बहुत अमेजिंग है. ठंड है बट इट्स ऑटम एवरीवेयर हियर. आई थिंक ऑटम थोड़ा लेट आया है इंग्लैंड में इस बार. एंड पूरे वो जो ऑरेंज ऑरेंज जो पत्ते होते हैं वो पूरे वो झड़ रहे हैं. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मैं आपको थोड़ी सी व्यू थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ आफ्टर दिस क्लिप. स्टे ट्यून्ड विद अस. सौरभ एंड प्रीति आर हियर एंड वी ऑल आर प्लानिंग टू गो टू गुरुद्वारा टुडे. एक्चुअली अभी एक दो दिन पहले ही गुरुपुरब थी एंड हम लोगों का काफ़ी मन था कि हम लोग गुरुद्वारा जाएँ. एंड योगी जो भी हम सब कुछ कर रहे होंगे वो मैं आप सबको दिखाऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड एंड अभी मैं चलती हूँ ऊपर बिकॉज अभी हम लोग पियेंगे चाय. तो आज हम लोगों का चाय बेड पे आराम से बैठ के हम चारों का मन है कि हम लोग आराम से बैठ के चाय पिए. सो अब मैं चलती हूँ ऊपर. मामा ने चाय बना दी है एंड जस्ट टू हैव लिटल चिट चैट विद देम, जस्ट टू कैच अप ऑन द लाइफ. एंड या सो लेट्स गो अपस्टेयर्स. आई थिंक हम कितने टाइम बाद ऐसे बैठ के चाय पी रहे हैं बेड पे बैठ के अपने बहुत ही चहीते फ्रेंड्स के साथ. क्योंकि प्रीति सोए तो छुपी हुई है इधर. गुड मॉर्निंग. अभी इज बिजी. ही इज टायर्ड. ही वाज रियली टायर्ड. पता मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे चाय पीना. मुझे खुद इंडिया वाली फीलिंग आती है ना. राइट. बट नहीं आपका आप ऐसे बैठे हो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे. आप ऊपर बैठ सकते हो प्रीति. बहुत अच्छा लग रहा है. ओके ओके चलो गाइज. एनीवे हम सबको काफी अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के बहुत टाइम बाद. और आज का प्लान बहुत ही स्पेशल है और मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ. ओह माय गॉड पिलो फाइट. पिलो फाइट. ओह गॉड दिस इज योर स्पेशल पिलो फॉर पिलो फाइट. या ओह माय गॉड पिलो फाइट. नो पिलो फाइट गाइस. आई थिंक आई वन. सो मैं ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हूँ. सो मैं क्विकली अपना मेकअप कर रही थी तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड कम एंड शेयर फ्यू प्रोडक्ट्स विद यू गाइज. सो आई थिंक बाकी सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं. सो आई थिंक आई हैव अनदर 10 मिनट्स विद मी. तो मैं लगाऊंगी न्यू लिपस्टिक. आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सूट. तो ये मैंने पहले भी पहना हुआ है अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे. सो आई रियली वांट टू कैरी अ गुड न्यूड लिपस्टिक. एंड मेरी न्यूड कलर के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं. सो जब भी आप न्यूड लिपस्टिक लगाओ सो मेक श्योर करो कि आप लिप लाइन ज़रूर कर रहे हो. हल्की सी लिप लाइन करने से न्यूड लिप ज़्यादा फेड आउट नहीं लगता. सो ये वाला लिप कलर मेरा बहुत फेवरेट है आजकल. दिस वन इज़ फ्रॉम मैक. दिस इज़ कॉल्ड लेडी बी गुड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. लुक्स लाइक समथिंग लाइक this and so once you apply just wait for it to go matte and फटाफट से ये dry out हो जाता है. so matte की lipstick थोड़ी सी drying हो जाती है कभी कभी. so अपने साथ हमेशा एक lip balm ज़रूर कैरी करो. वैसे हम लोग मास्क पहनते हैं आजकल तो ऑब्वियसली मास्क के साथ मैट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी से जाती है. बट जस्ट टू अवॉइड दैट ड्राई आउट वाली चीज़ तो लिप बम ज़रूर अपने साथ रखो. एंड ऊपर से आई लाइक टू अप्लाई दिस वन इज़ फ्रॉम जेराड कॉस्मेटिक्स. इसका शेड है न्यूड ही. तो ये सिमिलर शेड है जो कि मैंने आपको भी मैक दिखाया. बट दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बुलेट लिपस्टिक एंड थोड़ा सा ये उससे हल्का सा क्रीमी है. तो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू अप्लाई दिस ओवर माई मैट लिपस्टिक ताकि थोड़ा सा क्रीमी टच रहे मेरी लिपस्टिक पे. तो ये भी एक बहुत अच्छा हैक है अगर आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राई आउट करती हो आपके लिप्स पे. एंड या हम लोग हो गए हैं तैयार फटाफट से. आई थिंक मैं शायद काजल लगाऊंगी एंड मैं वेट करती हूँ एंड मैं देखती हूँ प्रीति रेडी हुई नहीं हुई. बहुत फनी था. एग्जैक्टली बहुत फनी था. एनी वे प्रीति ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया. सो प्रीति भी रेडी हो रही है एंड बहुत प्रीटी लग रही है एज यूजल.
इससे कम ये ज्यादा हो गया. एनीवे प्रीति आप भी अपनों के सीक्रेट प्रोडक्ट बताओ यार जो यू वांट टू शेयर विद देम. ओके सो आई यूज दिस एस्टेल ऑर्डर का एडवांस नाइट रिपेयर. आई होप आप लोग देख सकते हो. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस. अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आप रात को अपनी स्किन केयर रूटीन के बाद लगा सको तो ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ करो. और मैं रात को ही नहीं, मैं अपने मेकअप से पहले भी इसको यूज़ करती हूँ, क्लेंजिंग टोनिंग के बाद और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले यूज़ करती हूँ. अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपके मेकअप को बहुत अच्छा बेस दे देता है. तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है. हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कुछ भी रिंकल्स के लिए या नाइट रिपेयर के लिए इसमें पैसे इन्वेस्ट करें. मैं यही यू नो सजेस्ट करूंगी. बट अदरवाइज इट्स रियली गुड प्रोडक्ट एंड इट्स सिंक्रोनाइज्ड योर होल स्किन टोन. नहीं नहीं नहीं, इट मेक्स इट्स अ होली ग्रेल फ्रॉम एक्चुअली एस्टी लॉडर. एंड कभी कभी यार थोड़ा सा स्प्लर्ज करने में कोई बुराई नहीं होती क्योंकि इतने लंबे चलते हैं प्रोडक्ट्स. एग्जैक्टली. एंड स्किन में इन्वेस्ट करना, यस स्किन में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. एनीवे हम लोग चलते हैं फटाफट से, मैं बहुत लेट हो रही है. इससे पहले कि सौरभ और भानु नीचे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दें, चलो 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 हम लोग चलते हैं, मैं आपसे मिलती हूं. ओके सो फाइनली हम लोग अब आ गए हैं बाहर एंड सब रेडी हो चुके हैं. एंड अभी आई थिंक प्रीति सौरभ लाइक गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड. तो आपको ये पिक्चर क्लिक हो रहा, तो आपको ये पिक्चर अगर इंस्टाग्राम पे दिखेगी तो आप समझ जाना कि ये पिक्चर यहाँ पे खींची गई. लुक एट दिस वेदर. मैं मुझे पता है मैं सुबह से ऑटम ऑटम कर रही हूँ और आप देखो ये बहुत 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 प्रीटी लग रहा है. बहुत ठंड है यहाँ पे. एनीवे अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा फाइनली बाबा जी के दर्शन करने. तो आप हमारे साथ बने रहे बिकॉज मैं आपको लेके चलूंगी इस बार रेडिंग के गुरुद्वारे में. लास्ट टाइम मैं आपको लेके गई थी साउथ हॉल के गुरुद्वारे में. सो यस आर यू एक्साइटेड अभी? या ओके सो हम लोग आ गए गुरुद्वारे के बाहर एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे. बहुत सुकून मिलता है ऑनेस्टली. लाइक दिल को इतना अच्छा लगता है ना लाइक जब यहाँ पे आते हैं. आई थिंक वी शुड कम मोर ऑफ्टन. ट्राई करते हैं कि हम लोग आए जितना आ सकते हैं. अभी हम लोग करेंगे लंगर यहाँ पे. एंड दिस हलवा इज लाइक लिटरली द बेस्ट पार्ट. आई थिंक मैंने बहुत पहले ही बोला था साउथ हॉल गए थे. हम लोग करते हैं लंगर. ज्ञान आ जाना कोई चीज हो रहा पढ़ाई आ जानी चाहे अकैडमिक हो चाहे साढ़े वाली कोई विद्या होर हो टैलेंट होता जब बंदा कोई बाजार करता कोई कुछ भी कोई कुछ भी है पर जरा नाल नियमत होनी है ना समाज का जरा दिलों साफ होना ये रब किस किस्म बहुत बड़ी चीज है. बहुत चाहे थोड़े सारे दोस्तों ने करा जिन्हें भी मैं मिले सारे थोड़े सारे जी बहुत विद्वान ने आप
मैं इन्हों के सामने अच्छे लगता पर मैं थोड़ा जितों गल चलती सी भी फ्रेंड भी ता ही बनते अच्छे जे बंदा आप अच्छा वो एक तुलसी जी राइटर होए ने कहते भी तुलसी जी कहते हैं कहते भी आशा इष्ट उपासना खान पान पहरान तुलसी जाके खट मिल सज्जन सही जा हूँ वह मतलब की है मीन की है आशा जिनी आशा एक हो चाहत आशा इष्ट जिन्हें इष्ट धर्म आशा इष्ट उपासना उपासना जिंद उपासना जिन्हों मनते इष्ट उपासना खान खाना पूजा करते खाना खान पीना खान पान पहरान पहनना जिन्हों छे गलों चो मिल जाना ना कुछ गल मित्रता उन्होंने लगती है सारे दिल सच जरा वा क्योंकि रब गॉड सच्चा एक ही सच सच एक वा इस करके धर्म बंदे का किसी का भी कोई मुसलमान नहीं कोई हिंदू नहीं धर्म जे जो है वह सच वा सच को प्यार करने की जो कट्ठे हो जाते हैं फिर उन्होंने मित्रता नहीं ता ही थोड़ा जो ग्रुप आ दोस्तों मित्रा का प्रीति का थोड़ा इन्हों का जो भी थोड़ा ग्रुप आ बहुत अच्छा बहुत नेक बड़ी खुशी हुई फैमिली को मिलके वाहेगुरु और बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई उन्होंने हमें और बहुत मजा आया था। सबने काफी टाइम स्पेंड किया चाय पी एंड लंगर खा। अगर आप रेडिंग के आसपास रहते हो या आप कभी यहाँ पर आते हो तो रेडिंग के गुरुद्वारे में जरूर आओ बिकॉज यहाँ का लंगर वैसे ही गुरुद्वारे के लंगर में एक अलग ही मजा होता है। बट ज्ञानी जी के साथ बैठ के चाय पीना बातें करना इतनी अच्छी वो दैट वाज लाइक प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग ऑफ टुडे। और एक बात जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम लोगों की शादी हुई थी वो ही थी गुरु नानक जयंती पे ही। हां गुरु पूरब पर थी पहले ही थी गुरु नानक जी। सो वी एक्चुअली गॉट मैरिड ऑन गुरु पूरब एंड गुरु नानक जयंती जिसको बोलते हैं। हां सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हम लोग की एक्चुअली 3 टाइम मैरिज हुई थी। आर्य समाज वेडिंग हिंदू वाली जो शादी होती है एंड कोर्ट मैरिज 3 तरीके की शादी होती है हम मेजर भानु की। सो उसके बाद में आपको डिटेल्स में बताने लेंगे क्यों कैसे क्या क्या बट हाँ लेकिन जो हमारी जो एक्चुअली हिंदू शादी थी जिसमें हम सबको बुलाया था वो थी गुरु नानक जयंती पे ही एंड उसके पीछे भी एक स्टोरी है बिकॉज हम लोगों को कोई डेट्स नहीं मिल रही थी। हमारा रोका हुआ हो तो जैन से तो बेसिकली हमें था कि जो सबसे अर्ली डेट मिलती है नवंबर में हमें उसमें शादी मतलब वी वांटेड टू गेट मैरिड। तो गुरु नानक जयंती पे होता है ना कि वो एक अच्छा साया डेट माना जाता है तो उसमें भी गॉट मैरिड। या इट्स एन ऑस्पिशियस डे सो एक्चुअली इट्स या आई मीन आई वुड काउंट इट एज अ ब्लेसिंग कि हमारी शादी उस दिन हुई थी। या एनीवे अब हम करते हैं सेवा और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को दिखाना रेडिंग का गुरुद्वारा एंड मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।